मेरे प्लान्स है दोस्तों से मिलने का और बाहर जाने का बाहर इतना कुछ हो रहा है इतने डेकोरेशन हो रहे हैं और हर जगह पे हर रेस्टोरेंट्स में कुछ ना कुछ नया हो रहा है तो आई थिंक डेफिनेटली फैमिलीज के साथ बाहर जाके अच्छा फैमिली डिनर करने का प्लान है हर खान की तरह आप भी मीडिया को घर पे बुलाते हैं एक फंडा है सलमान हो या खान का नाम भी जुड़ गया है क्या कहना चाहिए क्या है सभी? आई थिंक फेस्टिवल्स एक मौका देता है आपको हर किसी के साथ बॉन्ड करने का अपने व्यूज़ उस फेस्टिवल के बारे में बताने का और आप क्या फ़ील करते हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली न्यूज़ चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको लगता है कि आप uh, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्साइटमेंट uh, हर फेस्टिवल को लेकर ईजीली uh, एक्सप्रेस uh, कर सकते हो सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों uh, तक अपने विशेज़ पहुँचाओ एंड आई एम श्योर कि जब आप लोग आके अच्छे इंटरव्यूज़ लेते हैं uh, जब ये रिलीज़ चैनल्स पे हर किसी को आपको देखने का मौका मिलता है और जानने का मौका मिलता है कि आप भी दूसरे फेस्टिवल्स के लिए उतने ही एक्साइटेड हो और डेफिनेटली uh, आप विशेष देते हो और विशेष लेते हो जिन्हों क्या प्लान है घर पे कुछ खाने पीने क्या बनेगा और क्या सब नहीं ज़्यादातर तो, तो प्लान है बाहर जाने का ही और आ, मेरे जो दोस्त थे उनके घर पे कुछ स्पेशल डिशेस बनती है जो उनके कास्ट की होती है जैसे मारवाड़ीज़ है गुजरातीज़ है तो उनके घर में कुछ स्पेशल बनता है जो वो लाते हैं बिकॉज जब मेरे यहाँ आते तो ऑब्वियसली ईद में उन्हें मेरे यहाँ की बिरयानी और यू नो you know, हमारे स्टाइल का खाना खाने मिलता है तो जब दिवाली होती है तो आ, वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो खाना लेकर आए तो हमारे यहाँ तो कुछ बनता नहीं है बट डेफिनेटली मैं मेरे दोस्तों के घर की स्पेशल चीज़ें खाती हूँ जब दिवाली आती है मेन चीज़ होती है डेकोरेशन जी उसका ডেকোৰেশ্যন <laughs> किस तरह करती है बनाती है या नहीं? वेल well, मुझे कलर्स uh, की रंगोली बनाने नहीं आती है तो मेरे पास रेडी uh, रंगोली है जो रेडीमेड <laughs> बनी तो हुई है, है तो लाइट्स लगती है कल, uh, और कैंडल्स बहुत सारे uh, जलते हैं पूरे लेन में मैं गेंदे का फूल लाती हूँ हैटेड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने का एज लॉन्ग एस घर हैप्पी और कलरफुल लगे वो ज्यादा जरूरी है मैं छोटे छोटे कंदल भी लाती हूँ और मैं लगाती हूँ जो

द एयर इज़ गेटिंग वेरी पल्यूटेड आपको एक अच्छे एयर में आ, सांस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सर्वे बता रहा है हर एक मिनट में एक इंसान की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ पल्यूशन सो कहीं ना कहीं अगर हम हेल्प करते हैं पल्यूशन को कंट्रोल करने में बाई नॉट बर्निंग द क्रैकर्स आई थिंक हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी और की ज़िंदगी के लिए सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बट हाँ जिनको जलाना है वो तो जलाएंगे <laughs> साल दिवाली दिवाली में 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 सना जी किस -किसे घर में जाने वाली मनाने कोई कोई बॉलीवुड फ्रेंड हो वेल आई डोंट नो मैं जनरली uh, कोशिश करती हूँ कि मैं जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है मैं उनके घर ज़्यादा जाती हूँ बिकॉज ज़्यादा मजा आता है और uh, एक uh, आप हमेशा एक वो एक्टर के जोन में रहना नहीं चाहते हो यू वॉन्ट बी नॉर्मल और आप एक नॉर्मली इंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली फ़िलहाल तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स के ही घर पर जाने का प्लान है और दो तीन दिन हम सब रोज बाहर जा रहे हैं मुंबई की मार्केट काफी फेमस है जी, रहते हैं जी दिल बोला जाता है कि इंडस्ट्री का जो दिल नही नहीं नहीं ऑफकोर्स uh, मैं मार्केट में नहीं जाने वाली हूँ और बट ऑफकोर्स जब मैं गाड़ी से जाती हूँ मुझे मैं शाम को ड्राइव करती हूँ वहाँ से और मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से मार्केट को सजाया गया है इतने सारे ऑफर्स होते हैं इतना सारा डिस्काउंट होता है और जैसे लोग शॉपिंग uh, करने निकलते हैं आई थिंक अच्छा लगता है वो सारी चीजें देख के तो मैं डेफिनेटली गाड़ी में जरूर राउंड लेती हूँ क्या क्या बनाएंगे खाने के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी जैसे मैंने कहा मैं सिर्फ बाहर जाके खाऊंगी वेल बिग बॉस जस्ट शुरू हुआ है काफ़ी हैपनिंग uh, uh, हो रहा है घर के अंदर सो so, मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे मैंने कुल मिला के सिर्फ दो एपिसोड देखे तो आज शायद मैं आज से थोड़ा रेगुलर uh, होना चाहूँगी बिकॉज ऑफकोर्स बिग बॉस मेरा फेवरेट है और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं देखूँ और uh, जहाँ तक कि कुछ चीज़ें सुनी ऑफकोर्स बिग बॉस हर साल uh, वैसा ही रहा है कुछ लोग आते हैं जो थोड़े वियर्ड होते हैं कुछ थोड़े नॉर्मल होते हैं थोड़े से कुछ आगे जाके बट आई थिंक बहुत अर्ली स्टेज है किसी के भी बारे में कुछ कहना आई थिंक मैं और एक पंद्रह दिन देखना चाहूंगी कि लोग कैसे चेंज होते हैं या कैसे अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं लाइक कहीं ना कहीं आप एक दो जज कर पाए कौन अच्छा खेल रहा है ऑनेस्टली वही मैंने कहा मैंने इतना ध्यान से शो देखा नहीं है सो आई डोंट नो एंड आई थिंक या तो जो लोग सिंपल है वो लोग बहुत अभी फिलहाल डिप्लोमेटिकली प्ले कर रहे हैं कोई एकदम ऐसे आ, यू नो उस तरीके से नहीं है और बाकी करते हैं। तो आई डोंट नो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ किसी को सिलेक्ट या चूज करने में फिलहाल पर मैं एक हफ्ते की बात आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आएगी अगर आप एक दिन के लिए जाते हैं। जी आई तो थिंक तो? मैं किसी को सुधारना और समझाना नहीं चाहूँगी बिकॉज आप कुछ भी करो वो लोग वही करेंगे जो उन्हें करना है और एज एन ऑडियंस कुछ चीज़ें uh, हमें बोलना बहुत ईजी लगता है बट जब आप घर पर जाते हो अंदर रहते हो तो सिटुएशन बहुत अलग है और अपने आप को इमोशनली इतना कॉम्पैक्ट और कम्पोज रखना इतना ईजी नहीं होता है कभी कभी उस घर में स्पेशली जब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो आपका पेशेंस अलग ही लेवल पर टेस्ट करते हैं सो so, uh, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी जो भी ये गेम अच्छे से लोग खेले और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें बिकॉज बिग बॉस सब कुछ नहीं है आपको बाहर आना है और हम आए हैं वहां पे काम के लिए सो so अगर आप चाहते हो कि आपकी नाम और इज्जत बनी रहे बाहर तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे करें घर के अंदर आई थिंक इन वे अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को लाया जाता है और एटलीस्ट ऐसे ढोंगी लोगों का पर्दाफाश होता है बिग बॉस में और एटलीस्ट जो कुछ लोग शायद अगर उन पर अंधविश्वास रखते होगे तो एटलीस्ट वो थो थोड़े से अपने आप को दूर कर ले और उनके सामने कुछ रियलिटी आ जाए सो आई थिंक इन अ वे अच्छा ही है कि ऐसे लोग भी आते हैं बचपन की कुछ मेमोरी है यादें जो बचपन में दिवाली है जो पेरेंट्स के साथ में आई थिंक बचपन में तो सिर्फ यही बच्चों की कोई इतनी यादें नहीं होती है सिर्फ उनको बस दूसरों के घर पे जाना होता है खाना खाना होता है और उन्हें बस तैयार होना होता है और उनका कोई एम ही नहीं होता है उनके लाइफ में तो हम सब सोचते हैं कि जब uh, ट्यूशन ख़त्म हो जाए दिवाली की स्कूल की छुट्टी होती थी, थी पर ट्यूशन की कभी नहीं होती थी तो हम कोशिश करते के थे कि ट्यूशन जल्दी चले जाए और वापस आके फटाफट नहा धो के रेडी हो जाए नए कपड़े पहन ले और सबके घर में घूमते फिरते रहे और स्वीट्स घर पर लेकर आए तो आई थिंक यही चीज़ होती थी जो बच्चों को करना पसंद होता था और आई थिंक मैं भी वही करती थी सभी सभी कह रहे हैं इको इको फ्रेंडली फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आई थिंक सब लोग इको फ्रेंडली गणपति मनानी चाहिए इको फ्रेंडली दिवाली बट आई थिंक बहुत कम लोग ये जो ये समझते हैं मेरी दोस्त है जो इको फ्रेंडली गणपति मनाती है वो इतनी अच्छी गणपति उनकी हस्बैंड घर पर बनाते हैं वो लोग विसर्जन करते हैं एंड आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट रहती है इस फेस्टिवल की और गॉड की सो आई थिंक मैं उस चीज़ में हमेशा बिलीव करती हूँ जो चीज़ uh, अच्छा मैसेज देती है सो आई थिंक अगर uh, बहुत अगर ज़्यादा लोग ये चीज़ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो बहुत अच्छी बात है बट जाहिर सी बात है कुछ लोगों को पटाखे फोड़ने वो तो फोड़ेंगे तो आई थिंक बस थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आपको वो भी चाहिए तो आप एक लिमिट में करें और लोगों को परेशान ना करें और स्पेशली लेट नाइट ज़्यादा पटाखे ना फोड़े फोड़े जा जिससे स्पेशली स्ट्रे डॉग्स हमारे यहाँ पे इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं और इतने ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं हैं उनके और ऐसे घूमते हैं सीधे इंजोर्ड आई सीधम दस्केर्यड आई सी पीपल रनिंग इन माय सोसाइटी लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑफकोर्स आपको बुरा लगता है उनके लिए तो आई थिंक उनके बारे में भी कुछ सोचे बात करने के लिए थैंक यू